राम राम जी। द चमनगढ़ फैमिली पर आपका स्वागत है। सारे बहन भाई बेटा बेटी सारे आयो जी, और सारे की बड़ी इसको देखा करो। और बहुत बढ़िया ज्ञान की बात बताती हूँ, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ऊट पटंग को डांस वांस खिला दे तुरंत सारे जुमन जाओगे। तो बढ़िया चीज देखा करो, बढ़िया चीज देखते नहीं हो तुम, उस पर बढ़िया देखो और उस पर लाइक किया करो। तो ये कहानी सुना रही हूँ मैं, गणेश पार्वती और शिव गुरु की। तो आप सुनियो, एक बार है ना शिव पार्वती बैठे हुए थे, और तो उनके बच्चे बड़े हो गए थे कार्तिकी और गणेश। तो उन दोनों वह खुश थे शिव पार्वती माता। तो वह कहने लगे चलो आज अपने बच्चों की परीक्षा लेते हैं जी। अब चलो ठीक है। तो महादेव कहने लगे भाई जो भी आज सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के मेरे पास हमारे पास आएगा वही आज से सबसे बड़ा माना जाएगा। तो कार्तिकेय ने सोचा कि गणेश तो वैसे ही भारी भरकम है, तगड़े थे गणेश खूब, और इसकी सवारी चूहे की है तो ये तो किसी हालत में भी आ नहीं सकता। वो कहने लगा कार्तिकेय ठीक है पिताजी, और बहुत खुश हो गया वो कार्तिकेय कि हाँ हाँ पिताजी ये आपने बिल्कुल सही बात कही, हम ऐसा करेंगे। तो चलिया गया। तो कार्तिकेय तो तुरंत अपना मोर मंगवाया, उसका कार्तिकेय का सवारी है मोर की और श्री गणेश महाराज की है चूहे की। तो कार्तिकेय ने अपना मोर मंगवाया और मोर पर बैठ के और सारी सृष्टि का चक्कर लगाया, क्योंकि वो तो उड़ने की सवारी थी उसकी, और भाई गणेश की चूहे की थी। तो गणेश ने सोचा ये क्या हो गया, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। इसलिए कहते हैं गणेश में बुद्धि बहुत है, पढ़ने वाले बच्चे सारे गणेश का नाम लिया करो, सारे वैसे भी लिया करो भाई गणेश का। तो उसने सोचा मैं तो किसी हालत में भी नहीं आ सकता कार्तिकेय से पहले, क्योंकि तो मेरा मान भी चूहा है, धीरे धीरे जाएगा, कहां से कहीं पानी आएगा कहीं कुछ आएगा तो ये तो पार नहीं लगा सकता। तो उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, उसके जो माँ बाप बैठे थे उनको प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मानी, आके पिताजी मैं आपके ही चक्कर लगाऊंगा क्योंकि मेरे लिए सारी सृष्टि आप हो। तो ये समझाने के लिए कह रही हूँ सभी बच्चों को, माँ बाप से बड़ा कोई भी तीर्थ नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है। सारी सृष्टि को अपने माँ और पिताजी के अंदर देखा करो, इससे बड़ा तुम्हें और क्या तीर्थ चाहिए आप ये बताओ। तो सभी ये बच्चों को दिखाया करो जो मैं बातें बता रही हूँ, मैं बच्चों से बहुत लगाव करती हूँ और उन्हीं के बारे में बढ़िया बढ़िया बातें बताती हूँ। तो आप प्लीज सारे सुना करो, छोटे बड़े भाई बहन माँ बाप बेटा बेटी सारे ने सुननी है, और सुनने के बाद एक लाइक जरूर देना है। और जो भी नए आवे मेरे चैनल पे द चमनगढ़ फैमिली पे तो उसको सब्सक्राइब कर लेना है। तो उसने चक्कर लगा दिए श्री गणेश महाराज ने, तीन चक्कर लगाए अपने माँ बाप के, और खड़ा हो गया किसकी इंतजार में, कार्तिकेय के इंतजार में। तो कार्तिकेय तो खुला नहीं समा रहा था, चक्कर लगा लगू के जल्दी से आया अपने पिताजी के पास और मम्मी के पास, और कहने लगा वो देख के ने एकदम मतलब भाई चक्कर से खा गया कि गणेश यहाँ कैसे, ये गया नहीं। तो कहने लगे पिताजी गणेश नहीं गए चक्कर लगाने के लिए। तो गणेश बोले भाई मैं तो लगा के कब कहा गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसने तो लगाए नहीं। तो उसके गणेश महाराज कहने लगे भाई सृष्टि में क्या रखा है, सारी सृष्टि तो अपने माँ बाप के चरणों में है, तो सारे बच्चे अपने माँ बाप की परिक्रमा कराया करो। जब तुम्हारा कभी कभार मन करे जरूर कराया करो अपनी माँ की पिताजी की परिक्रमा कराया करो, और उन्हीं को भगवान के रूप में देखो, भगवान उन्हीं के अंदर समाये हुए हैं, आपके अंदर भी समाये हुए हैं। तो फिर उन्होंने ये करा कि भाई देखो ये बात इसने सही कही है कि अपने माँ बाप के अंदर ही पूरी सृष्टि होती है, तो बड़े बूढ़े बेटा बेटी जो ये अनाथ आश्रम में अपने माँ बाप ने भेजा है ना, ये बिल्कुल भी मत करा करो, बिल्कुल सही बात नहीं है ये, बड़ा बूढ़ा हमने भी होना है, अगर तुम नहीं करे तो तुम्हारी कौन कर देगा।
तो अपने माँ बाप की इज्जत कराया करो, सेवा कराया करो। जब बड़े हो जाते हैं ना तो उनका दिमाग थोड़ा दूसरे टाइप में आ जाता है, तो उनकी बातों का तुम बुरा मत माना करो, उनकी दिल से सेवा करते रहा करो। मेवा देने वाला थारे ऊपर बैठे है, अपने आप दे दोगा। तो उस दिन के बाद महादेव ने कह दिया कि भाई जो सबसे बड़ा गणेश महाराज है, इसने बिल्कुल सही बात कहा और बुद्धि का प्रयोग किया। मैं तुम्हें जांचने के लिए कह रहा था कि कौन क्या करेगा, तो इसमें गणेश सही निकले और गणेश को दर्जा दे दिया कि जो भी कोई भी काम शुरू करेगा तो उसमें गणेश महाराज का नाम लेके, जो पहले काम शुरू करने से पहले गणेश महाराज का नाम लेगा उसके सारे काम सिद्ध होंगे। ये शिव भोले का वरदान है, आज से नहीं ये हमारे पूरे उससे चले आ रहा है। तो आप जो भी कोई काम करो, पढ़ो लिखो, घर बनाओ, कहीं बाहर जाओ, तो जय श्री गणेशाय नमः जरूर बोलिया करो। तो उस दिन के बाद आज तक जो भी कोई श्री गणेश महाराज का काम करने से पहले नाम लेता है उसको सफलता जरूर मिलती है। तो इसी बात पर एक लाइक जरूर दिया करो, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, नए हैं सब्सक्राइब करो, पुराने लाइक करो, और अपनी अपनी बहन सुदेश की वीडियो बार बार देखते रहा करो, बच्चों को ज्यादातर दिखा करो, रोज ऐसे ज्ञान की बात बता करूंगी। और ज्ञान कहाँ से है, गीता से, गीता जो पढ़ती हूँ वही मैं आपको बताती हूँ, मेरे अंदर अलग से कोई भी ज्ञान नहीं है। तो राम राम सारे बहन भाइयों ने, चाची ताइया ने, मेरी सब ने, बहन भाइयों ने मेरी, राम राम जी।